हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम जोली किचन। आज मेरी मॉम आपको सूखी उड़द दाल बनाना सिखाएंगी। सबसे पहले हमने तकरीबन 250 ग्राम दाल ली है और हमने पानी उसी हिसाब से लिया है। आप जितने दाल लेंगे उसी हिसाब से आप पानी लीजिएगा। और हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब दोस्तों इसको कवर लगा के 2 सीटी पे इसको हम रख देंगे पकने के लिए। अच्छा दोस्तों, सफेद उड़द दाल के तड़का बनाने के लिए हमने लिया है 1 प्याज, 3 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग और 1 बड़ा चम्मच जीरा। और मैं भी आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। अच्छा दोस्तों, सूखी उड़द दाल का तड़का बनाने के लिए हम ऑनियन को डार्क ब्राउन फ्राई करेंगे। हमने तेल इसमें ज्यादा लिया है क्योंकि ये दाल सूखी होती है। हमने 1 चम्मच का तेल लिया, इतना इस चम्मच के बराबर का हमने तेल लिया। अब ये देखिए दोस्तों, प्याज डार्क ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून हींग और 3 सूखी लाल मिर्च। ये तड़के के लिए हमने ये सब सामान लिया। अब ये देखिए दोस्तों, मेरी मॉम सूखी उड़द दाल पे तड़का लगा रही है। ये दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये तड़का मेरी मॉम लगा रही है इस पर। मेरी मॉम ने ये तड़का लगा दिया जो मैंने आपको भी दिखाया था। अब ये हम इस पे चाट मसाला डालेंगे। ये दाल, सूखी उड़द की दाल चाट मसाले के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है चाट मसाले के साथ। ट्राई करके बताइएगा दोस्तों हमें आपको कैसा लगा ये मेरी मॉम की रेसिपी। कमेंट में करके बताइएगा आप दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलें और अच्छी अच्छी रेसिपीज, ब्यूटी टिप्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।